हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम मोर सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू यू। दिस इज योर थर्ड सेंटेंस। सेंटेंस इज विवेक अपनी सौतेली बहन के साथ, विवेक अपनी सौतेली बहन के साथ रोज सुबह 7 बजे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाता है, पढ़ने के लिए बहुत दूर जाता है। तो ये सेंटेंस देखने में बहुत लंबा लग रहा है, बट डोंट वरी, बिकॉज डर के आगे जीत। तो डरना नहीं है, सेंटेंस को समझो। मैंने लास्ट टू डेज में आपको क्या बताया था, सबसे पहले हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में अंतर होता है। जो हिंदी का फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। मतलब अगर किसी सेंटेंस में मोस्टली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो हिंदी का स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन इंग्लिश का बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, तो इसी फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, देन वर्ब। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका काम हल्का हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और इसमें वर्ब को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देखो यहाँ पर विवेक, विवेक सब्जेक्ट है, तो विवेक हमने आप लिखा। अब 7 बजे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाता है। अब यहाँ पर देखो जाता है या तो वर्ब, तो अब दूसरे प्लेस पर जाए तो थोड़ा हमारा काम हल्का हो गया। अब दूसरी चीजें कई बच्चों की है, अपनी सौतेली बहन के साथ, ये आपको फ्रेज है टुकड़ों में जो बटे हुए, अपनी सौतेली बहन के साथ। तो विद दिस सिस्टर, सिस्टर अपनी सौतेली बहन के साथ रोज सुबह 7 बजे। अब ये टाइम वाली बात आ गई यहां पर, रोज सुबह 7 बजे, रोज सुबह 7 बजे, 7 AM डेली, डेली रोज के लिए आया, सुबह 7 बजे, 7 इन द मॉर्निंग लिखे या फिर 7 AM लिखे। तो 12 बजे से पहले जो भी समय होगा वो AM से इंडिकेट किया जाता है, तो हमें इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सिंपली इसको 7 AM कर दिया। और जब एग्जैक्ट टाइम होता तो उसके पहले प्रपोजिशन ऐड का यूज होता मोस्टली, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप देखिए पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए ये एक फ्रेज है, इसको बहुत क्लास में मैंने समझाया, ये आपका क्या पर्पस वाली बात होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर क्या कर देते हैं, फॉर स्टडी, फॉर स्टडी, ये रॉन्ग है बच्चों, ये रॉन्ग है, क्योंकि पर्पस जो होता है वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जिसको कि इंफिनिटिव कहते हैं, पर्पस हमेशा इसी से शुरू किया जाता है। यहां पर जब लिखेंगे पढ़ने के लिए, देखो यहां पर क्या लिखा, पढ़ने के लिए, ने के लिए, देखो इधर ने के लिए, जब ने के लिए आ रहा है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब केवल के लिए आ रहा है तो फॉर स्टडी, जैसे दिस प्रेजेंट इज फॉर यू या दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, यहां पर ना नहीं निकला, लेकिन यहां पर उद्देश्य, तो इसलिए यहां पर क्या होगा टू स्टडी। और बहुत दूर, बहुत दूर मतलब फार, बात क्लियर होगी। तो इसको ब्रेक करते हैं सबसे पहले इस तरीके से, तो विवेक गोस, तो एक पार्ट ये हो गया फार अवे, ये दूसरा पार्ट हो गया बहुत दूर, एट 7 AM डेली। अब याद करो कि 7 AM सर अगर पहले लिखा, डेली बाद में लिखा, ये आखिर समझने वाली बात है कि जब छोटा समय आता है तो पहले लिखा जाता है, बड़ा समय हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एट 7 AM डेली हो गया। विद सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ये पहले बता दिया, तो ये टू स्टडी पढ़ने के लिए। अब ये इसको आप प्रॉपर अरेंज करें, जरूरी नहीं है कि हम किताबें पढ़ डाले तमाम और 10,000 सेंटेंस बना लें, नहीं, नो नीड टू डू दिस। केवल आप 5 सेंटेंस पर अपना फोकस करें, केवल 5 सेंटेंस लेकिन बढ़िया से बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप 10,000 सेंटेंस बना लें और उसमें कई मिस्टेक करें। तो यहाँ पर देखिए विवेक अपनी सौतेली बहन के साथ
पढ़ने के लिए रोज सुबह 7 बजे बहुत दूर जाता है। तो इस तरीके से विवेक घोष फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा नंबर विवेक घोष टू स्टडी, विवेक जाता है क्या करने के लिए, पर्पस क्या है, स्टडी करने के लिए। विवेक घोष टू स्टडी, अब किसके साथ जाता है, विद सिस्टर सिस्टर, ये तीसरा पार्ट हो गया, विद सिस्टर सिस्टर। टाइम क्या है, एट 7 AM डेली। फिर क्या आ गया, फार अवे फ्रॉम होम। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर जब टाइम और प्लेस वाली बात आती है तो सबसे पहले टाइम लिखा जाता है, उसके बाद प्लेस लिखा जाता है, इसलिए इसको मैंने चौथा नंबर दिया, इसका नंबर पांचवा। अब इसको आप अरेंज करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं, तो बात क्लियर होगी। अब मैं इसको एग्जैक्ट जो सेंटेंस का आता है उसको मैं बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। विवेक घोष टू स्टडी विद हिज स्टेप सिस्टर एट 7 AM डेली फार अवे। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप सब लोग ये समझ गए होंगे। एक सेंटेंस समझिए लेकिन अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूँ कि इसको आप अब अपनी कॉपी में अरेंज करके फिर कॉपी में नोट कर लें। थैंक्स फॉर टुडे।